तो भाई टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल डेटा लोगों का काफ़ी ज़्यादा फुल हो रहा है, चाहे दिमाग का हो या फिर आपके कंप्यूटर का या मोबाइल का, जो भी हो यार। लेकिन फिलहाल कंप्यूटर का डेटा अगर भर रहा है तो फिर मैंने उसके लिए परचेज किया है सीगेट का 5 TB, सीगेट ही कहते हैं ना, सीगेट का 5 TB हार्ड डिस्क एक्सटर्नल वाला, ठीक है। यानी कि मेरे कंप्यूटर में 512 GB SSD था और एक एक्सटर्नल 1 TB का लगा हुआ था, लेकिन वो भी भर गया था। तो फिर क्या करना भाई, 5 TB का एक ही बार खरीद लिए, तकरीबन 9000 लगा। और कैसा है इसका स्पीड, कैसा है परफॉर्मेंस, अभी हम लोग टेस्ट करेंगे फटाफट से और देखेंगे कि भाई स्पीड में दमदार है या फिर नहीं, या फिर यूं ही है। USB 3.0 के साथ काम करता है, ये मैंने निकाल रखा है इसका कनेक्टर, एंड साथ ही साथ सीगेट का ये जो डब्बा है आप देख सकते हैं, पता नहीं सही से दिख रहा है या फिर नहीं। Amazon से परचेस किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, अगर ये प्रोडक्ट बढ़िया होगा तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये निकला इसका हार्ड डिस्क, इसे आप पढ़ सकते हैं खाली टाइम पर बैठ करके, अगर आप एकदम बोर हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। और ये है हमारा हार्ड डिस्क, डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ नहीं है डिज़ाइन में, बस रगड़ा हुआ डिज़ाइन है सॉफ्ट सा। तो चलो इसे कनेक्ट करके देखते हैं इसका स्पीड टेस्ट करके, और साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस वाइज कैसा है और वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, फटाफट से देखते हैं। चलो तो भाई ये लग चुका है हार्ड डिस्क हमारे एसुस के लैपटॉप में 3.0 USB पोर्ट में, एंड यहाँ पर क्या है भाई, दाग थोड़ा सा। चलो इसे ऑन करो, इसको हटाओ, अब चेक करेंगे हम लोग कि भाई स्पीड ठीक है कि नहीं। इसमें लाइन आया तो बत्ती जल रहा होगा, जी हाँ बत्ती जलना शुरू। तो ये देखो यार, आ गया हमारा फाइल मैनेजर, वन टच ई विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। ये रहा हमारा हार्ड डिस्क 5 TB वाला, जिसमें 4.5 TB आपको मिलता है। इससे पहले मैंने एलिमेंट्स WD एलिमेंट्स का लगा रखा था 1 TB का, जो कि 268 GB फ्री था, 512 GB का SSD था इनबिल्ट इंटरनल, उसमें 152 GB फ्री था, लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसीलिए मैंने इसे मंगाया। यहाँ पर देखिए स्टार्ट हेयर विन XE, ये कोई एप्लीकेशन इसमें मिलता है। फिलहाल हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र करके देखते हैं कुछ फाइल, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 GB का डेटा कॉपी कर लिया, अब इसे पेस्ट करते हैं और स्पीड देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। ये पेस्ट होना चालू, स्पीड देखिए फिलहाल 62 MBPS का मिल रहा है, 120 MBPS तक का बताया गया है, 75 पहुंचा है। अब देखो भाई स्पीड तो घुमा फिरा के अभी ठीक ही है, 90 पहुंच गया है, एंड स्टार्टिंग में देखें तो स्पीड ओवरऑल ठीक है एक हार्ड डिस्क के लिए। हालांकि और स्पीड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 80 का मिल रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि भाई वो WD एलिमेंट्स वाले का भी स्पीड देखता है क्या, मतलब जहाँ से कॉपी हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम 90, 99, 100, यानी कि 100 तक टच किया लास्ट में, एवरेज 80 या 70 बोल सकते हैं, 90 भी टच किया थोड़ा। और स्पीड वाइज हार्ड डिस्क एक्सटर्नल ठीक है, अगर अभी WD एलिमेंट्स को देखें तो उसमें अगर इतना चीज़ हम लोग डालेंगे तो काफ़ी स्लो जाएगा। चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ, ये गया WD एलिमेंट्स में, अब यहाँ पर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। अब देखो तो WD एलिमेंट्स में देखें तो एक टाइम पर तो 120 पार कर गया था स्पीड, लेकिन उसके बाद 50 के आसपास रहा। तो ये मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि घुमा फिरा के WD एलिमेंट्स हो या फिर सीगेट हो, दोनों का स्पीड एवरेज में 70 कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अभी 50 जो आया है, इससे पहले ये 120 दे चुका था। एंड सीगेट वाले की बात करें तो उसने भी एक टाइम तक 100 दिया था, उसके बाद एवरेज 70 से 80 मेंटेन करके रखा हुआ। तो दोनों का राइट स्पीड सेम है, दोनों ऑन एंड एवरेज सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं मेरे लिए एटलीस्ट। और बाकी 5 TB का हार्ड डिस्क का ज़रूरत था मुझे, तो मैंने मंगाया इसे एंड इसे यूज़ करूँगा अब जमट करके, मतलब कि सब कुछ इसमें डालेंगे हम लोग और अपने कंप्यूटर को करेंगे खाली। तो ये हार्ड डिस्क आपको तकरीबन 9000 में मिल जाएगा और वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपको वही स्पीड मिलेगी जो कि इसमें मिल रहा है, 70 से 80। 120 अगर मिल रहा है, कितना आप कॉपी कर रहे हैं, कैसा फाइल कर रहे हैं कॉपी, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग कोई और टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि
इन द एंड हम लोग टेस्ट क्या करते हैं भाई, यूज़ क्या करते हैं, बस यही ना कि फाइल कॉपी पेस्ट रीड राइट। एक सेकंड वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, जरा वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि टाइम लेता है क्या। ये वीडियो हो चुका है प्ले, तो वीडियो रीड स्पीड ठीक लग रहा है अभी तक के हिसाब से, बाकी तो भरने के बाद पता चलेगा। सही है, रीड स्पीड सही है, और क्या मिलेगा आपको हार्ड डिस्क में। तो एक अच्छा हार्ड डिस्क अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी, वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।